वेलकम टू माई चैनल फन फूड्स विद कुसुम। हाई फूडीज, कैसे हैं आप सब लोग? तो चलिए, आज फिर से लेके आई हूँ माइक्रोवेव से रिलेटेड बहुत ही अमेजिंग हैक, और स्पेशली मानसून से रिलेटेड। देखिए, आज मैं आपको मक्की यानी कॉर्न को रोस्ट करना बताऊंगी माइक्रोवेव में। बहुत ही अमेजिंग हैक है, और ये हैक आपको आजकल इस मौसम में बहुत काम आने वाला है। फुल मेथड बताऊंगी, कौन से मोड़ पे होता है, कैसे हमें इसे रोस्ट करना चाहिए, क्या तरीका होता है, कैसे हमें इसका टेम्परेचर सेट करना है, बहुत सारी बातें। तो चलिए शुरू करते हैं यहाँ पर हैक। अगर आपको मेरे हैक्स अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ हैक्स को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं हम यहाँ पर हैक। तो सबसे पहले हमें अपने माइक्रोवेव को प्रीहीट करना है, चाहे आप माइक्रोवेव में कर रहे हैं या फिर अपने अवन में, दोनों को पहले हमें प्रीहीट करना है। कन्वेक्शन मोड का हम इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पर 180 डिग्री हम टेम्परेचर रखेंगे और 10 मिनट के लिए हम अपने माइक्रोवेव को कन्वेक्शन मोड पे प्रीहीट कर लेंगे। देखिए, मक्की को हमें बेक नहीं करना है, हमें रोस्ट करना है इसे दूसरे मोड पे, लेकिन प्रीहीट हमें इसे कन्वेक्शन मोड पे करना है। यही इसका सबसे सस्पेंस वाला पार्ट होता है। तो चलिए देखिए, ये प्रीहीटिंग के लिए मैंने अपना माइक्रोवेव लगा दिया है। अब आपको यहाँ पर एक बात ध्यान रखना है कि कोई भी रैक आप माइक्रोवेव के अंदर नहीं रखेंगे जब आप माइक्रोवेव या फिर अवन को प्रीहीट कर रहे हैं। जब तक प्रीहीटिंग होती है तब तक हम यहाँ पर एक मसाला बना लेते हैं, और इस मसाले को हम मक्की पे लगाएंगे रोस्ट होने से पहले। तो यहाँ पर एक चम्मच डाला है मैंने तेल, आप बटर भी इस्तेमाल कर सकते हैं, और आधी छोटी चम्मच काली मिर्च पाउडर, आधी छोटी चम्मच काला नमक। अच्छे से हमें इन सबको मिक्स कर लेना है। देखिए, अभी हमें इसमें नींबू ऐड करना है, पर अभी हम इस स्टेज पे नहीं करेंगे। और ये देखिए, इस मसाले को हम एक साइड रख देते हैं। अब लेनी है हमें यहाँ पर मक्की। मानसून सीजन है तो मक्की मार्केट में बहुत है, और बहुत अच्छी अच्छी मक्की आ रही हैं। ये देखिए, चार मक्की रोस्ट करना बताऊंगी मैं। तो सबसे पहले हमें जो छिलका है मक्की का वो रिमूव कर लेना है। देखिए, जो भी इस पे बाल वगैरह होते हैं अच्छे से उसे साफ कर लीजिए। देखिए, तो ये देखिए, यहाँ पर जो मक्की है मैंने अच्छे से क्लीन कर ली है। जो इन पे छोटे छोटे बाल से लगे होते हैं वो भी आपको अच्छे से साफ करने हैं। अब जो हमने यहाँ पर मसाला तैयार किया था मक्की पे लगाने के लिए, उसके अंदर हम एक नींबू निचोड़ के इस तरीके से डाल देंगे। नींबू आप बाद में ही डालेंगे, अगर पहले डालेंगे तो कड़वा हो जाएगा। देखिए, जब आपको रोस्ट करनी हो मक्की तभी आप तुरंत मसाले के अंदर ऐड करेंगे नींबू को, और इस तरीके से देखिए अप्लाई कर देंगे मक्की के ऊपर अच्छे से सारे मसाले को। बहुत ही चटपटी बनती है। और इस तरीके से देखिए, मैंने सारी मक्कियाँ जो हैं वो तैयार कर ली हैं। अब आपको यहाँ पर ध्यान से देखना है। देखिए, आप हाइयर रैक का इस्तेमाल करेंगे, यानी हाई रैक जो ग्रिल मोड पे इस्तेमाल होता है। तो यहाँ पर मैंने हाइयर रैक लिया है। उसके बाद देखिए, इस तरीके से आप मक्की लगा देंगे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर चार मक्की आसानी से आ रही हैं। तो पूरे रैक में देखिए 4 से 5 मक्की आराम से आ जाएगी। तो एक बार में आप 5 मक्की यहाँ पर रोस्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर मक्की है हमारी रोस्ट होने के लिए तैयार। तो बस फटाफट से चलते हैं माइक्रोवेव की तरफ। ये देखिए, प्रीहीट भी हो चुका है इतनी देर में हमारा माइक्रोवेव। बस ये देखिए, गरम गरम माइक्रोवेव है, और यहाँ पर हम रखेंगे रैक को माइक्रोवेव के अंदर। डोर को करेंगे हम बंद। ध्यान रखिएगा, हाइयर रैक का आपको इस्तेमाल करना है क्योंकि हमें यहाँ पर ग्रिल मोड सेलेक्ट करना है। अब आप डोर को यहाँ पर बंद करिए, और उसके बाद ग्रिल मोड को आप सेलेक्ट करेंगे। देखिए, ग्रिल मोड में ही रोस्टिंग होगी, अगर आप बेक करेंगे तो ये हार्ड हो जाएंगे। तो कन्वेक्शन मोड केवल प्री हीटिंग के लिए है, ग्रिल मोड में आप रोस्ट करेंगे। आप 8 मिनट का टाइम लगाएंगे, ग्रिल मोड सेलेक्ट करेंगे, 8 मिनट का टाइम लगाएंगे। देखिए, मक्की जितनी भी है हमारी एक साइड रोस्ट होने में 8 से 10 मिनट का टाइम लगाएंगी, और जैसे ही देखिए टाइम पूरा होगा तो हमें इन्हें टर्न करना होगा। देखिए, मक्की बहुत अच्छे से रोस्ट माइक्रोवेव से ज़्यादा अवन में होती है। अगर आपके पास अवन है तो बहुत अच्छे से रोस्ट हो जाएंगी। वो कैसे और क्यों, वो मैं अभी आगे आपको वीडियो में बताऊंगी। तो देखिए, जैसे ही टाइम पूरा होगा 8 मिनट का, तो देखिए मक्की आपको निकाल लेनी है। आप देख सकते हैं ऊपर की साइड से मक्की रोस्ट हो चुकी है। तो देखिए, ये जो नीचे की साइड है मक्की का, ये अभी कच्चा है, तो इस तरीके से हम टर्न करेंगे। जैसे कि मैं हर बार आपको बताती हूँ कि ग्रिल मोड पर एक ही साइड से जो है ग्रिलिंग होती है, हमें टर्न करनी होती है हर एक रेसिपी जब हम ग्रिल करते हैं। तो इस तरीके से देखिए, सेकंड साइड भी हम अच्छे से ग्रिल कर लेंगे। तो जो मसाला है बचा हुआ हमारा, वो भी हम अप्लाई कर लेंगे। वापस रखेंगे इसे माइक्रोवेव के अंदर, ग्रिल मोड सेलेक्ट करेंगे। अब की बार हम 5 मिनट का टाइम लगाएंगे। वैसे तो मैंने यहाँ पर देखिए 5 मिनट का टाइम लगाया, लेकिन अच्छे से रोस्ट मेरी नहीं हुई थी मक्की,
तो यहाँ पर मैंने देखिए 4 मिनट और बढ़ाए तो टोटल टाइम लगा मेरा यहाँ पर 8 से 9 मिनट। और ये देखिए निकाल लूँगी मैं मक्खी, अभी बहुत ज़्यादा गर्म है, ये देखिए बहुत अच्छे से रोस्ट हुई हैं। अब यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगी कि माइक्रोवेव से ज़्यादा ओवन में बहुत अच्छे से और बहुत जल्दी से रोस्ट होती हैं मक्खी। अगर आपका ओवन है तो ये जो प्रोसेस है मक्खी को रोस्ट करने का फटाफट हो जाएगी। वो क्यों, देखिए माइक्रोवेव में जो होता है वो टर्न टेबल के ऊपर जो हमारा रैक है वो रोटेट करता है, जबकि ओवन में जो है रोटेशन नहीं होती है, डायरेक्ट जो है ग्रिल मोड की रॉड की हीट मक्खी के ऊपर पड़ती है और फटाफट से जो है रोस्ट होती है मक्खियाँ। अगर आपके पास ओवन है तो आप ये जो प्रोसेस है इसे फटाफट कर सकते हैं। माइक्रोवेव में थोड़ा ज़्यादा टाइम लगता है, और अगर आपका कम वॉट का माइक्रोवेव है तो और भी ज़्यादा इसमें टाइम लगेगा, तो थोड़ा सा ये टाइम टेकिंग होता है माइक्रोवेव में। तो ये देखिए, देख सकते हैं आप, इस तरीके से मैंने मक्खियाँ सारी रोस्ट कर ली हैं, और इस तरीके से आप रोस्ट कर सकते हैं। थोड़ा सा टाइम टेकिंग है जैसे कि मैंने आपको बताया, तो आप इस हैक को ट्राई करिएगा। अगर आपको मेरा ये हैक अच्छा लगता है तो मेरे हैक को लाइक शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बगल में जो घंटी है उसे प्रेस करके ऑल जरूर कर दीजिए, ताकि आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप सभी को मिलती रहे। कॉमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरा ये हैक कैसा लगा। तब तक अपना बहुत ध्यान रखिएगा, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।